तो क्या आपको पता है कि किसी भी कंप्यूटर में फोल्डर को लॉक कैसे करते हैं? यदि आपको नहीं पता कि फोल्डर को लॉक कैसे करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में यही चीज सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राम के प्रजापति, रामजी टेक्निकल जर्नल में आप सबका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर को लॉक करने के लिए हमारे पास एक जो है खास टिप्स है जिसका इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिससे हम किसी भी फोल्डर या किसी भी फाइल को लॉक कर सकते हैं अपने किसी भी लैपटॉप, पीसी या फिर कंप्यूटर में। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर सबसे खास बात ये बताने वाला हूँ कि हम यहाँ पर विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम उस कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर को लॉक कर रहे हैं जिसमें विंडो 11 हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोगों के पास विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो भी ये ट्रिक काम करेगी। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है गूगल में, एंड एक जो है सॉफ्टवेयर है इजी फाइल लॉकर विंडो 11। ओके, हमें यहाँ जाना है। तो पहले नंबर पर जो वेबसाइट है उसको छोड़ देना है, नीचे जाना है तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना है। सो डाउनलोड 32 बिट को छोड़कर यहाँ पर डाउनलोड 64 बिट के वर्जन पर जो है आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। और यदि आपका जो पीसी या लैपटॉप है वो लो एंड है, यानी कि 32 बिट आर्किटेक्चर वाला है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अदरवाइज आपको 64 बिट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही क्लिक करना है। अब मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में विंडो 11 है तो डेफिनेटली आपका जो सिस्टम है वो 64 बिट ही होगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद एक फाइल आएगी, इसको हम जो है डाउनलोड वाले फोल्डर में सेव कर लेंगे। इसके बाद से ये तुरंत ही डाउनलोड हो जाता है। छोटे साइज का जो है ये ऐप है, तो हम इसको ओपन करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसे परमिशन दे देंगे, यस ओके, एंड इसको दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके आई एग्री पे क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सिंपल स्टेप है इंस्टॉल करने का। ऐप इंस्टॉल करने के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है, यदि आप लोग को पता नहीं है, कुछ दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो बोल रहे हैं कि प्लीज इनपुट द पासवर्ड, तो यहाँ पर हमें पासवर्ड डालने की जरूरत है। ओके, तो मैं पहले ही यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। हमने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है एंड इसको ओके बटन पर क्लिक कर दिया है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पर सिस्टम जो यहाँ पर दिया गया है इस सॉफ्टवेयर में, इस एप्लीकेशन में जो सिस्टम का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अलग से चाहे तो फिर से हम जो है सेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड हमने सेट किया हुआ है, उन पर क्लिक करेंगे। यू हैव सक्सेसफुली सेट ए न्यू पासवर्ड। ओके, हमारा जो पासवर्ड है वो हो गया है सेट, एंड इस पर जाएंगे हम यहाँ पर फाइल, किसी भी फोल्डर या फाइल को हम लॉक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक फोल्डर को लॉक करने के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो यहाँ पर फाइल एंड फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड फोल्डर पर क्लिक करेंगे। ऐड फोल्डर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक सेटिंग करनी होती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक्सेसिबल है, राइटेबल है, डिटेक्टेबल है, ओके डिलीटेबल है। तो यहाँ पर हम जो है इस सबको छोड़ देंगे, विजिबल पर क्लिक करेंगे, ओके, एंड इसको जो है हटा देंगे। एंड यहाँ पर जाएंगे ये जो यहाँ पर 3 डॉट है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद से जाएंगे यहाँ पर जो भी आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में किसी भी फाइल को आप जो है लॉक करना चाहते हैं, किसी भी फोल्डर को लॉक करना चाहते हैं, उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर डी ड्राइव में कुछ जो फोल्डर है उसको मतलब मैं लॉक करना चाहता हूँ। चलिए तो मैं यहाँ पर डी ड्राइव में जा रहा हूँ और यहाँ पर भेजे गए फाइल वाला एक फोल्डर है, तो हम इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है फाइल का पाथ यहाँ पर आ चुका है, डी ड्राइव में भेजे गए फाइल, एंड ये पूरी तरह से लॉक है। अब कैसे पता चलेगा कि ये लॉक है, चलिए चेक कर लेते हैं। इसके बाद हम जाएंगे डी पीसी में एंड यहाँ पर जाएंगे डी ड्राइव में। डी ड्राइव में जाएंगे तो हमारे पास एक यहाँ पर फोल्डर था भेजे हुए फाइल। ओके, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे भेजे वाले फाइल वाले जो फोल्डर है, ये वाला फोल्डर है, हम इसको डबल क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने डबल क्लिक किया तो बोला यू डोंट करंटली हैव परमिशन टू एक्सेस द फोल्डर, क्लिक कंटिन्यू टू परमानेंटली गेट एक्सेस टू द फोल्डर। ओके, तो चलिए मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो यू हैव बीन डिनाइड परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर, मतलब जो है बोल रहा है कि इस फोल्डर को आप जो है ओपन नहीं कर सकते, आपको परमिशन ही नहीं है। सिक्योरिटी टैब पर जाकर अब यहाँ पर देखिए कोई चीजें हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है ना कि अब हम जो है इस फोल्डर को लॉक कर चुके हैं। अब मान लीजिए कि हमें ये जो हमने इस फोल्डर को लॉक किया इसको ओपन करना है, तो ओपन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे प्लीज इनपुट द पासवर्ड पर, यहाँ पर पहले हम जो है पासवर्ड डाल देंगे जो भी हमने पासवर्ड यहाँ पर डाला है, एंड ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएंगे तो ये जो फाइल है यहाँ पर पड़ी हुई है, हम जाएंगे फाइल एंड फोल्डर पर, एंड यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे एंड जाएंगे फाइल एंड फोल्डर पर एंड इसको रिमूव पर क्लिक करेंगे एंड यस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो ये सिंपली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद से हम इस पर चाहें तो इसको फिर से हम ऐड कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिसकी मदद से आप लोग लैपटॉप में फाइल या फोल्डर को लॉक कर सकते हैं विंडो 11 में या फिर किसी अदर कंप्यूटर में भी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए।